कराची में तूफान के पेश नज़र इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिंध हुकूमत ने हंगामे इकदाम शुरू कर दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नालों के चौकिंग पॉइंट्स क्लियर करने, बिल बोर्ड्स हटाने का हुक्म दिया है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अली मैदी से। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, कराची में मुतवक्को तूफ़ानी बरसात के बावजूद भी मौसर पेशगी इंतजाम नहीं किए जा सके हैं। वज़ीर आला सिंध की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ वाज़े तौर पर अहकाम दिए गए थे कि बरसात से कबल मौसर पेशगी इंतजाम किए जाएँ। शहर की मसरूफ़ शाहराहों, दीगर मकाम पर जितने भी बिल बोर्ड्स लगाए गए हैं, होर्डिंग्स लगाई गई हैं, पैनल फ्लैक्स लगाए गए हैं, इश्तहाराती हर किस्म का मवाद हटाने के अहकाम दिए गए थे, जिसपे कमिश्नर कराची की जानिब से भी इजलास किया गया, ज़िले इंतजामिया की जानिब से भी जायज़ा इजलास मुनक्किद किए गए। लेकिन शहर में जो मौसर पेशगी इंतजाम किए जाने चाहिए थे वो अब तक नज़र नहीं आ रहे हैं। ज़िला जनूबी में भी मुतअद्दिद मकाम ऐसे मौजूद हैं जहाँ पे अब भी भारी भरकम बिल बोर्ड्स किसी हादसे का सबब बन सकते हैं। इशारा फैसल पे हमें पहले फ्लैग की भरमार नज़र आती है। ब्रिजेस पर जो है इश्तहाराती मवाद मौजूद है। इसी तरह ज़िला वस्ती में शारा पाकिस्तान है, वहाँ पे भी बेतहाशा जो है बिल बोर्ड्स नज़र आते हैं। शहर में मखदूश ख़तरनाक इमारतें हैं, तकरीबन 550 तक इनकी तादाद पहुँच चुकी है। तेज़ हवाओं, तूफ़ानी बरसात की सूरत में इन इमारतों के गिरने का खदशा भी मौजूद है। सिवरिश का निज़ाम तबाह हुआ हुआ है, मेन होल्स खुले पड़े हुए हैं, जिसके नतीजे बरसात में निकासी आपके मसाइल पैदा होने का खदशा है और हादसात पेश आ सकते हैं। कीमती जानों का ज़िया का खदशा भी मौजूद है। लेकिन हम देख रहे हैं कि मुतालिक हुकाम की जानिब से हमेशा की तरह मुजरमाना गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है। जी।